दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हाउ टू फाइट ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो आप फटाक से चाइना का नाम ले देंगे। लेकिन दोस्तों ज्यादा नहीं, बस 2-3 साल बाद अगर सेम सवाल हम आपसे पूछेंगे तो आप चाइना का नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चाइना को पछाड़ते हुए हमारा भारत वहां पहुंच जाएगा। और ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने बढ़ती जनसंख्या के फायदे तो आपको कई बार बताए, लेकिन अब जरा नुकसान पर नजर डाल लेते हैं जो फायदों से ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। इसलिए बिना एक पल की देरी किए मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह हम अपने देश में बढ़ती जनसंख्या से लड़ सकते हैं और दुनिया को पछाड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। भले ही आज दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना हो, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर नजर डालें तो हमारे देश में ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसका साफ नतीजा आपको 2-3 साल बाद देखने को मिल जाएगा, जहां हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के रूप में जाने जाएंगे। और ये किसी भी तरह से खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि अधिक जनसंख्या की वजह से गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज यानी कि वातावरण में बदलाव आता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट पर इसका असर पड़ता है, जिस कारण से पेड़ पौधे और बाकी जीव जंतुओं को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अधिकतर समस्याओं का कारण ओवर पॉपुलेशन यानी कि जरूरत से ज्यादा जनसंख्या को ही बताया जाता है। भारत में जनसंख्या कितनी बुरे तरीके से बढ़ रही है उसके लिए हमें आपको कुछ भी दिखाने या बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी काम से घर से बाहर निकल जाएंगे तो आपको सड़कों पर मौजूद भीड़ ये एहसास दिला देती है कि हमारे देश में आबादी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर गलती से आप किसी मार्केट में पहुंच गए तब तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि पूरे शहर की आबादी उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है। और ये तो सिर्फ नमूने की बात है, क्योंकि आप जहां कहीं भी जाएंगे आपको लोगों की भीड़ देखने को मिल जाएगी, फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, बस स्टैंड हो या फिर कोई और जगह। ऐसे में आप जहां कहीं भी नजर घुमाएंगे आपको लोग ही लोग दिखाई देने लगेंगे। यकीन नहीं आता तो मुंबई की लोकल ट्रेन का ये नजारा देख लीजिए, आपको आबादी का अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को किस तरह रोका जा सकता है, और इस चीज में सबसे पहले हम चाइना द्वारा चलाई गई एक पॉलिसी की बात करेंगे, जो और कुछ नहीं बल्कि वन चाइल्ड पॉलिसी है। ऐसे में कई सारे लोगों को लगता है कि चाइना की ये पॉलिसी काफी काम कर गई है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि चाइना की ये पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो गई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि चाइना की सरकार ने ये बोला कि आप सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो, तो हर किसी को लड़का चाहिए था। लेकिन चाइना के लोगों की सोच भी हमारे देश के लोगों से कुछ अलग नहीं है, वहां भी लोग यही सोचते हैं कि घर चलाने के लिए एक लड़का होना जरूरी है, और जब सरकार एक ही बच्चे को पैदा करने की मंजूरी दे रही है तो वो बच्चा लड़का ही होना चाहिए। जिस कारण इस पॉलिसी के लागू होने के 30 साल बाद यानी 2015 को उन्होंने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया, क्योंकि उस समय चाइना का सेक्स रेशियो बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जहां लड़कियों के मुकाबले बहुत अधिक लड़के चाइना में मौजूद थे, और ये रेशियो अभी भी सही नहीं हुआ है। इसलिए भारत के केस में वन चाइल्ड पॉलिसी कहीं से भी सही समाधान नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी पर, जहां लोगों का कहना है कि अब जनसंख्या को कम करने के लिए लोगों को नसबंदी करानी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी ने फोर्स्ड स्टरलाइजेशन का एक प्रोग्राम लीड किया था, जिसमें उन्होंने करीब 1 करोड़ लोगों को जबरदस्ती स्टरलाइज्ड किया था, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला और पॉपुलेशन में कोई गिरावट नहीं आई, जिससे पता चलता है कि जबरदस्ती किसी भी चीज का समाधान नहीं है। तो अब यहाँ बात आती है कि इन परिस्थितियों में आखिर किया क्या जाए। ऐसे में दोस्तों हम आपको अब जो बताने वाले हैं वो बहुत ही गहराई की बात है, क्योंकि अगर आपको देश में जनसंख्या को कम करना है तो लोगों का पढ़ा लिखा और जागरूक होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक चीज होती है जिसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन में कितने बच्चों को पैदा करती है। अगर देश का फर्टिलिटी रेट 2 है यानी कि औसतन हर महिला अपने पूरे जीवन काल में 2 बच्चों को पैदा करती है,
तो परिस्थिति समान है, क्योंकि इतने ही लोग मर जाते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या घटेगी नहीं तो बढ़ेगी भी नहीं, और यही इस समय सबसे बेहतर विकल्प है देश में जनसंख्या को कम करने का। पर आप बोलेंगे इसका पढ़ाई लिखाई से क्या संबंध है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा संबंध पढ़ाई सही है, क्योंकि जिस जगह महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं वहां फर्टिलिटी रेट अपने आप में ही कम है, जिस कारण उस जगह की जनसंख्या भी समान होती है। और इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण केरला है, जहां लगभग 100% लोग पढ़े लिखे हैं, जिस वजह से वहां पर फर्टिलिटी रेट भी कम है और जनसंख्या भी कम है। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी जगहों की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, और जब वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्हें ये नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक महिला जो पढ़ी लिखी होती है तो उसे पता रहता है कि उसके जितने भी बच्चे हों वो उसे ढंग से पाल सके, ना कि उन्हें दूसरों पर निर्भर करे या यूं ही छोड़ दे। ठीक वैसे ही जैसे पिछड़े इलाकों के गांवों में होता है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं लेकिन उनकी परवरिश सही ढंग से नहीं हो पाती, और वही बच्चे होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि देश की सभी समस्याओं को अगर सही करना है तो देश की माँ और बेटियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो देश अपने आप सुधर जाएगा। बाकी आपको इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।